हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी अपनी सूरज चुमाना और आई हूं आपके लिए साप्ताहिक राशिफल लेके वीकली प्रेडिक्शन 7 सितंबर 2020 से लेकर 13 सितंबर 2020 तक के लिए। और ये आप अपने सन साइन, लगन कुंडली, मून कुंडली, नाम राशि, जैसे भी आप कनेक्टेड फील करते हैं जिस राशि से, आप उसके अकॉर्डिंगली अपने प्रेडिक्शन देख सकते हैं। ये जनरल रीडिंग होती है, ये आपकी गाइडेंस के लिए होती है और जितना आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं उठाइए। जो चीज़ अच्छी लगे उसे अपना लीजिए, जो चीज़ अच्छी ना लगे उसे छोड़ दीजिए, ठीक है, और अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखिए। अब हमारी बारी है स्कॉर्पियोज के बारे में, वृश्चिक राशि वालों के लिए देखते हैं ये वीक क्या एनर्जीज लेके आ रहा है। कार्ड हमें बताइए कि इस वीक स्कॉर्पियोज, वाओ क्या बात है, द सन स्कॉर्पियोज, क्या बात है, द सन आपको मिला है टोटल प्रॉस्पैरिटी, टोटल एनर्जी, टोटल करेज, टोटल हैप्पीनेस। कहते हैं ना, क्या ना, दसों उंगलियां घी में, एक ना आपके अंदर एक ताप रहेगा, एक सूर्य वाली क्वालिटीज रहेंगी। मंगल राशि स्कॉर्पियो की होती है और आपको सूर्य का कार्ड मिल गया, यानी कि वो फ्रेंड्स हैं आपस में, तो अच्छा ही फल होने वाला है। और माइंड में देखें तो ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं आप, काफ़ी अपने घोड़े पे बैठ के जोर से चलते चले जा रहे हैं और कहते हैं ना घोड़ा दौड़ा रहे हैं, इट्स वेरी गुड। बॉडी के लिए देखें तो बॉडी में आपके ज़रूर हीट हो सकती है, तो खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखिएगा, कहीं एसिडिटी हो सकती है, कहीं स्पाइसेस ज़्यादा मत खाइएगा, जलन हो सकती है, दाने हो सकते हैं, पित्त की शिकायत हो सकती है, उधर वो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज देखा जाए तो अदरवाइज आप बिल्कुल स्ट्रांग रहने वाले हैं, आपके अंदर एक चार्म रहने वाला है, आप एक कहते हैं ना एक पॉजिटिविटी से भी भरे रहने वाले हैं, एक गुस्सा भी रह सकता है, यस, एक ना एक गुस्सेल, मतलब कहते हैं ना किसी से हीटेड आर्ग्यूमेंट भी हो सकती है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, बहस हो सकती है, यानी क्योंकि सूर्य है, थोड़ी सी ईगो आएगी, थोड़ा सा लीडरशिप आएगा कि मैं सही, मैं सही, मैं सही, तो इसके चक्कर में कहीं ऐसा ना हो जाए कि किसी से आप लड़ चुके हैं और या कुछ बहसबाजी हो जाए, तो वो थोड़ी बदमजगी हो सकती है। सोल में तो कहा ना मैंने, अपने आप में ही रहेंगे, राजा रहेंगे, मैं ही मैं रहेगा, तो जहाँ तक फाइनेंशियल फ्लो है वो भी आपका अच्छा रहने वाला है, क्योंकि प्रोस्पैरिटी का कार्ड है, जितने पैसे रुके हुए थे सब आ जाएंगे, कोई अगर आपका बिजनेस वो चल रहा था वो भी आपका पूरा होगा, वो भी आपको सब जो आपके अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी आपको अच्छा फ्रूट देंगी, काफ़ी अच्छा रहने वाला है ये वीक, और इसको ज़ाया मत करिएगा, इसको इस्तेमाल करिएगा, चीज़ें अच्छी रहेंगी। हाँ, रिलेशनशिप्स में थोड़ी गर्मा गर्मी रहेगी, रिलेशनशिप्स में मुझे बहुत अच्छा नहीं दिखता, ऐसा लगता है कि थोड़ा ना वही मैंने कहा ना, बहसबाजी, लड़ाई झगड़ा, इरिटेशन हो सकती है रिलेशनशिप्स में, ध्यान नहीं रहेगा इस वक्त प्यार प्यार के चक्कर में, ये तू मेरी, मैं तेरी, मैंने ये कहा, तूने ये कहा, इन चक्करों में नहीं रहने वाला, बस आपने रखना है कि बस सब मेरी सुने, मैं किसी का नहीं सुनने वाला या सुनने वाली, और एक ईगो, उससे बचिएगा। और खर्चा बहुत करेंगे, खर्चे से बचिएगा स्कॉर्पियोज, खर्चे से बचिएगा, और अच्छी चीज़ों को टारगेट करेंगे तो आपकी अच्छी चीज़ें पूरी होंगी। तो चलिए देखते हैं आपके लिए एंजल्स क्या मैसेज दे रहे हैं। आपके लिए कह रहे हैं कम आउट ऑफ द क्लोजेट, यस, आप क्लोजेट से बाहर निकल आइएगा, यानी कि ईगो को मत हावी होने दीजिएगा, यानी सूर्य जो आपको कह रहे हैं ईगो, लीडरशिप, मैं ही मैं, उसको आप अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा, वो क्वालिटीज, वो माइंडसेट आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो हावी होगा आपके ऊपर, उसको आप उस वक्त आपको देखना है। आप ढेर सारा ठंडा पानी पीजिएगा, वाइट और लाइट कलर के कपड़े पहनिएगा, जिससे जो है एनर्जी बहुत ना बढ़े, लाल रंग के कपड़े मत पहनिएगा, वैसे ही सन का कार्ड है, ईगो बढ़ जाएगा। तो कम आउट ऑफ द क्लोजेट का मतलब है कि आप अपने आप को जागरूक रखिएगा, हर चीज का एक ना बैलेंस रखिएगा, क्योंकि एक तरफ तो आप बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन जब रिलेशनशिप के फ्रंट में नीचे जाने शुरू करेंगे तो वहीं आपको तकलीफ होने लगेगी। ये वक्त तो निकल जाएगा, लेकिन आगे क्या होगा, तो फिर वो रिलेशनशिप वाले जो लोग हैं वो आपको बाद में जवाब देंगे, जब ये बस समय निकल जाएगा, क्योंकि जो समय तो कभी ठहरता नहीं है ना, इस वजह से, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर मेरे चैनल सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और मुझे बताइएगा कितना रेजोनेट हुआ आपके साथ। स्कॉर्पियोज, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।